खबर उत्तर प्रदेश के बरेली की तहसील नवाबगंज के मोहल्ला कुरैश नगर वासी रईस अहमद का प्लॉट इस्लाम नगर में है। कुछ दबंग किस्म के लोगों ने कब्जा करने की नीयत से बुजुर्ग रईस अहमद के प्लॉट की बुनियाद गिरा दी। पीड़ित ने नवाबगंज कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह उपरोक्त है कि माफियाओं के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है। कल रात 9 बजे के बाद में आपने शिकायत कब करी? शिकायत अभी की जाके। अच्छा, तो कोतवाल ने कुछ आश्वासन दिया? हाँ, कोतवाल साहब ने ये फरमाया मुझसे कि हम जो है इनको चौकी इंचार्ज साहब को दे देंगे, ये उनके पास चली जाएगी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा? उसके बाद में पता नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो उनके ऊपर है। जाँच करने का आदेश दिया? जाँच करने के आदेश दिए हैं। तो हाँ, अब एक बात तो और भी रहेगी ना दरमियान में, वो जब उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया तो हमारे जो नगर के चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर ताहिर साहब, फिर उन्होंने फैसला कराया, कि भाई चलो आपस में विवाद अच्छा नहीं होता है, फिर से समझौता कर लो। तो मैंने भी सोचा कि ज़मीन मुझे बेचना है, पैसे की बहुत ज़रूरत थी मुझे, तो उन्होंने 3 लाख में फिर फैसला कराया। 3 लाख में फैसला करने के बाद में हमने वो 36 नंबर वो 68 नंबर जो था वो बेच दिया लोगों के हाथ, उन्होंने मकानात वहाँ बना लिए। अब हमने जो है बाकी रह गया हमारा 66 नंबर, 68 नंबर में तो मकान बने हुए हैं, अब जो 66 नंबर है या 65 नंबर है हमने उसमें हमने लोटी खड़ा के लोगों को बेच दिया। अब ये परेशान कर लिए गए थे तो ये परेशान कर रहे थे कि तुम्हारी जगह नहीं है, ये हमारी जगह है। आपने क्या है चेयरमैन साहब से कुछ कहा था? हाँ, चेयरमैन साहब से कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने फैसला हुआ, हमने फैसला पैसे दिए उनको और उनकी तहरीर भी है हमारे पास, उनकी तहरीर ये है, देखिए। विवेक शर्मा की रिपोर्ट।